हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टैक्स सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है कि मल्टीपल यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। तो जी हाँ, ये मुमकिन है। आप अपने एक ही जीमेल अकाउंट से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लातादाद जो है आप अपने वीडियो चैनल बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेरे जो स्टेप हैं वो आप फॉलो कीजिएगा और आप अपने नए चैनल जो है न्यू चैनल क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर आपको लाजमी आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, और आपका एक यूट्यूब ऑलरेडी बना होगा तो आपको आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। डायरेक्ट आप उस अपने यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और सेटिंग में जाकर ईजीली आप एक न्यू चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरी इस वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप मल्टीपल चैनल यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है मेरी बआसानी ऑटोमेटिकली मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। मानी टेक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपने गूगल क्रोम में जाना होगा। तो आइए हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम सिंपली टाइप करते हैं youtube.com। तो देखिए, youtube की .com इस तरीके से आपके पास आ चुकी है इसका इंटरफेस। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वो इसको डेस्कटॉप साइट पर लाना है। तो उसके लिए सबसे टॉप के ऊपर राइट पे तीन डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। और ये देखिए, ये सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है सेटिंग के ऊपर डेस्कटॉप साइट, हमने इस पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो ये देखिए, अब ये एक नई स्क्रीन खुल चुकी है जिसमें कि आप यूट्यूब के लिए कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए कि ये टॉप के ऊपर ये ऑरेंज कलर में एक लोगो नज़र आ रहा है, ये मेरे YouTube चैनल का लोगो है। तो आइए मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, अब ये विजिबल हो चुका है। तो हमने क्या करना है कि सिंपली इस लोगो पे क्लिक करना है, क्योंकि ये लोगो मेरे YouTube का चैनल है और ये ऑलरेडी साइन इन हुआ हुआ है Google के थ्रू। तो अगर मेरा ये YouTube चैनल नहीं होता तो यहाँ पर सिर्फ साइन इन का मार्क्स आता, सिंबल आता। तो आप डायरेक्ट जाके साइन इन पे जाके अपना जीमेल अकाउंट खोल सकते थे। तो यहाँ पर मेरा जीमेल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है और इसके तहत ये YouTube जो चैनल है ये ऑलरेडी इसके साथ लिंक हुआ हुआ है। तो हम इसके ज़रिए भी आपका न्यू चैनल बना सकते हैं, या जिसके लिए आप ये वीडियो है कि मल्टीपल चैनल आप बना सकते हैं एक ही अकाउंट के ज़रिए। तो ये मैं सिंपली इसको क्लिक करता हूँ और ये इस चैनल की जो सेटिंग है ये खुल चुकी है। यहाँ मैं सेटिंग के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ देखिए, ये आपके पास एक न्यू YouTube की सेटिंग खुल चुकी है। तो यहाँ पर मैंने जो देखिए तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, चैनल स्टेटस, ऐड और मैनेज योर चैनल, व्यू योर एडवांस सेटिंग। तो हमने यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन ऐड और मैनेज योर चैनल पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी इस जीमेल आईडी के तहत ये जो कुछ चैनल मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसमें कि कुछ मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, और क्योंकि थोड़ा प्रोसेस लगेगा और ये खुद ही यहाँ से हट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है। तो मीन्स के जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी एक जीमेल आईडी से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई यूट्यूब चैनल अपने खोल सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना न्यू चैनल खोल सकते हैं या एक्स्ट्रा या मल्टीपल चैनल खोल सकते हैं। तो आइए देखिए कि मैं इस प्लस के निशान पर जिस पर लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू चैनल, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सिंपली ये आपको ये इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा जिस पर लिखा हुआ है टू क्रिएट ए न्यू चैनल क्रिएट ए ब्रांड। मीन्स ये दोनों एक ही नाम है, आपका कोई बिज़नेस है तो आप उसका बिज़नेस का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं इस कॉलम में, ब्लैंक कॉलम में, या फिर अपने चैनल का न्यू नाम क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा
और यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, फर्ज़ करें मैं इसका नाम ये इमरान क्रिएटर दे देता हूँ, आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। और सबमिट करने से पहले, क्रिएट के बटन पे क्लिक करने से पहले हम एक दफ़ा और ऊपर जाकर ये तीन डॉट हैं इसको हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये कंफर्म करेंगे कि आपकी जो सेटिंग है वो डेस्कटॉप पे है या नहीं। ये देखिए, ये ऑलरेडी सेटिंग है इसकी डेस्कटॉप की। तो आइए मैं सिंपली इस पर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट का जो बटन है ये मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए ये आपका चैनल ऑलरेडी क्लियर क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर अब आपने सिंपली ये आपसे वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं गूगल वाले कि ये आप अपना चैनल यहाँ पर वेरीफाई करें, और वो अकाउंट नंबर, वो अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आप डालेंगे, यहाँ पर कंट्री चेंज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर कंट्री चेंज करता हूँ तो ये बहुत डिफरेंट कंट्रीज आ जाएंगे। आप यहाँ पर कंट्री चेंज करके जिस भी कंट्री में आप हैं और वहाँ का ये मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ डालें, और यहाँ पर दो ऑप्शन नीचे नज़र आ रहे हैं तो ये आपको वेरीफिकेशन का कोड भेजेंगे। वो आप जैसे ही आपको कोड मिलेगा तो एक और कॉलम नीचे खुलेगा जिसमें कि आप अपना वो कोड नंबर डालेंगे और वेरीफाई आपका चैनल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब आपका चैनल वेरीफाई हो जाए तो आप उसकी सेटिंग में जाकर आप कोई भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं, अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, और उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है, फॉर्म वगैरह जो भी दिया गया है, कॉलम्स वगैरह आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका न्यू चैनल क्रिएट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो जिसमें कि आपने सीखा कि आप एक ही जीमेल अकाउंट से बहुत से जो है अपने यूट्यूब चैनल जो है क्रिएट कर सकते हैं, और सिर्फ और सिर्फ जो है तीन चार स्टेप फॉलो करने के बाद आप उस पर अपने वीडियो चैनल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि कई चैनल आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आप तक इजीली पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो पर, किसी नए टॉपिक के ऊपर।